आज की ये कहानी है कल्याणी नाम की एक ऐसी लड़की की जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ अहिल्या के साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी। वही अहिल्या आस पड़ोस में नौकरानी का काम करके अपना घर चलाती थी और अपनी बेटी की पढ़ाई का भी सारा खर्चा उठाती थी, जिसकी बदौलत कल्याणी ने अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद अब जल्द ही कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। तभी एक दिन जब कल्याणी अपने कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे मल्हार और सार्थक नाम के दो लड़के मिलते हैं, जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए कहते हैं कि अरे मैडम, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो, एक नज़र हम पर भी डाल लो, क्या माल लगती हो, ऐसा लगता है कि आसमान से अभी अभी कोई अप्सरा उतर आई है। तभी कल्याणी उनसे कहती है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे हो। तभी मल्हार और सार्थक उससे कहते हैं, माँ बहन तो है लेकिन तुम नहीं हो ना, बस तुम आ जाओ एक बार घर में, फिर तो हमारी ऐश ही ऐश है। और यही कहकर दोनों ही कल्याणी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उन दोनों ही बदमाशों से कल्याणी खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नाकामयाब रही और आखिरकार कल्याणी को दिन दहाड़े बलात्कार का सामना करना पड़ता है। मल्हार और सार्थक कल्याणी के साथ बलात्कार करके वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं और बेचारी रेप से पीड़ित कल्याणी रोते हुए अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचते ही कल्याणी अपनी माँ के गले लग जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। तभी अहिल्या कहती है कि बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जमाना बहुत बुरा है, अगर तुमने इनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो लोग तुम पर ही उंगलियां उठाएंगे और तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाएगा, इसलिए मेरी मानो तो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और इस बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना। तभी कल्याणी कहती है कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं, मेरे साथ रेप हुआ है और उन मनचलों को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी, अगर मैंने इस तरह से हार मान ली तो उनकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, आपको अगर मेरा साथ देना है तो दीजिए, नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन दोनों को उनके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी ताकि वो फिर कभी इतनी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। यही कहकर कल्याणी उसी हालात में तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बलात्कार का केस दर्ज करवाती है। पुलिस कल्याणी से उन दोनों ही आरोपियों के बारे में पूछती है और उन्हें ढूंढने की कोशिशों में जुट जाती है। हालांकि काफी दिनों तक ना तो पुलिस उनका पता लगा पाई थी और ना ही कल्याणी, पर कल्याणी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए तो करीब 6 महीने बाद कल्याणी ने उन दोनों ही आरोपियों को ढूंढ निकाला और तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी करवाते हुए खुद को इंसाफ दिलाया। मल्हार और सार्थक को 30 सालों की सजा सुनाई गई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके बाद अब उनकी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी और कल्याणी को उन दोनों बलात्कारियों को पकड़वाने के बदले सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन मनचलों को क्या सजा मिलनी चाहिए थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।